हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल सोच गुलाब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था, यहाँ पे डोडा स्टेडियम में आ रहे हैं नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। आज वो आने वाले हैं ये प्रोग्राम करीब, आज 24th है तो आज 1 बजे के आसपास ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। एंड मैं आपको दिखाऊँगा पूरा वहाँ का क्या स्पीच होगी उनकी, कैसे अरेंजमेंट है, कितने उनके साथ बॉडीगार्ड वगैरह सेलिब्रिटीज़ होंगे, कैसे वो आएंगे, सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। तो हमारे साथ बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। तो चलो गाइस, सबसे पहले चलते हैं हम डोडा स्टेडियम में। सो गाइस, हम आ चुके हैं डोडा स्टेडियम में एंड देख सकते हैं आप हर जगह बैनर ही बैनर लगे हुए हैं। तो चलो अंदर चलते हैं। सो गाइस, आ चुके हैं हम डोडा स्टेडियम में। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है यहाँ पे। तो चलो गाइस, आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस, यार देखिए हमारे सामने कितनी LED बड़ी बड़ी लगी हैं हर जगह, वहाँ पे लगी हैं, वहाँ पे 10-12 LED लगी हैं एंड वो फाइनली सामने हमारे स्टेज है। तो हम अभी आपको आगे जाके दिखाएंगे स्टेज भी जैसे वो आएंगे। तो यहाँ पे है एंट्रेंस गेट एंड यहाँ पे हो रही है चेकिंग एंड ये कुछ इस प्रकार का व्यू है हमारे डोडा स्टेडियम का। वो बैठा ना पहले इधर, वो बैठ के चला गया। आज की सभी कुछ मेहमान शुरू है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी साहब जनकी नमो में। प्रकार की तकलीफ यहाँ के लोग सहन करते हैं, ये देखने का
गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और एक प्रकार से पूरे विश्व का ऐसा एक सुंदर इलाका है कि पूरे दुनिया के लोग पर्यटन के लिए आएंगे और उसके कारण यहाँ के लाखों करोड़ों युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। और यह अगर सपना पूरा करना होगा तो केवल पर्यटन के लिए नहीं तो उद्योग भी आधारे होंगे, उद्योग व्यापार को भी बढ़ाना है और उद्योग व्यापार को बढ़ाना है, टूरिज्म को बढ़ाना है, आर्थिक विकास करना है तो चार बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चार बातें जहां होगी वही पर्यटन बढ़ेगा, चार बातें जहां होगी वही उद्योग खुलेंगे, चार बातें जहां होगी वही व्यापार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी और एक प्रकार से वो प्रदेश सुखी समृद्ध और सफल बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज से दो साल के अंदर जम्मू कश्मीर में हम 1,00,000 करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ कर देंगे। ये बदल में आप मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि 2 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और जम्मू से श्रीनगर आप 4 घंटे में जा सकेंगे, इतना वजन मैं आपको देता हूँ। 2 साल बाईपास के आगे 750 करोड़ की लागत से 2.42 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, वो आज 2023 तक पूरा हो जाएगा। खिलाड़ी के जम्मू तक 2,550 करोड़ रुपए की लागत से 82 किलोमीटर टू लेन जो रोड सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और अगर 2023 तक वो भी पूरा हो जाए। इसी मार्ग में आपने मांग की थी ब्लैक स्पॉट का समाप्त करने के लिए चैनल एजेंसी में 91 करोड़ की लागत से 1.27 किलोमीटर अप्रोच रोड से चैनल का निर्माण किया जा रहा है जो जून 2022 में पूरा हो जाएगा। चतुर से सिंहपुरा होकर पायलू तक 4,762 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर की सड़क और 10.3 किलोमीटर चैनल निर्माण का टेंडर मार्च में निकल जाएगा, मार्च 2022 में और निश्चित रूप से जो कि काफी तेज हवाएं चल रही हैं। चॉपर जो कि अब यहाँ से उड़ने के बाद टेक ऑफ करने के बाद डायरेक्ट सीधे दिल्ली जाएगा। तो देखिए हमारे साथ लाइव चॉपर का टेक ऑफ, हमें कम से कम 10 से 12 लोग आराम से बैठ सकते हैं एंड अभी भी इसमें करीब करीब 8-10 आदमी बैठे हुए हैं, 3-4 कमांडो हैं एंड उनके साथ जो हमारे नितिन गडकरी साहब वो भी हैं एंड गवर्नर एंड और भी जो आए थे वहाँ से। तो देखिए अभी हमारा हेलीकॉप्टर जो कि चॉपर अभी फ्लाई करेगा। देखिए हमारे कितने हेलीकॉप्टर हैं, एक आगे चले गया, एक ये वाला।
सो गाइस यार यहाँ पे खाना वगैरह भी अवेलेबल है हमारे लिए। सो गाइस मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, कैसे हमारे नितिन गडकरी आए, कैसे उन्होंने स्पीच दी, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो इस व्लॉग को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।